नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार खबर लिखे जाने तक अजमेर जिले में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया। चिकित्सकों के अनुसार आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हुआ, जो कि RRTI कॉलोनी जयपुर रोड निवासी 26 वर्षीय पुरुष है। चौबीस जून को अजमेर के जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में धार्मिक स्थानों को खोलने को लेकर आपसी विचार विमर्श हुआ। इस विचार विमर्श के आधार पर ही प्रशासन अब धार्मिक स्थलों को खोलने पर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। अनलॉक 1 का समय आगामी 30 जून को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि 1 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2 में लोगों को और राहत मिलेगी। देखिए, ऐसा है, मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद करूंगा कि राजस्थान सरकार ने आज यहाँ बैठक रखी जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में। अजमेर के चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, ये दोनों विश्व प्रसिद्ध जगह हैं। इन जगहों पे कैसे इसको खोला जाए, कैसे इसको चलाया जाए, इसके लिए आज सुझाव के लिए खादिम दरगाह कमेटी के चेयरमैन, दरगाह दीवान और ब्रह्मा जी के बड़े पुजारी और मठाधीश यहाँ पे आए। उन्होंने सरकार के अधिकारियों को अपने अपने सुझाव दिए। उसमें एक सुझाव आया कि 31 जुलाई तक इन मंदिरों को बंद रखा जाए। मैंने अपने सुझाव उस सुझाव में मैंने भी शामिल किया। आज आप देखेंगे कि कोरोना यहाँ पे जितना भी अजमेर ज़िले में आ रहा है वो बाहर से प्रवासियों से हो रहा है। उसके ऊपर देखिए, प्रशासन ने आज मीटिंग रखी थी और मैं समझता हूँ कि ये जो सभी लोगों ने जो आज अपना राय दिए वो ये राजस्थान सरकार को भेजेंगे। तो हमने दरगाह की तरफ से कहा कि भाई, लगातार हमने इस लॉकडाउन की पालना की है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि लोग यहाँ पे जियारत के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो खुदाम हजरात है, उसके अलावा जो व्यापारी है वहाँ पे सामने, वो व्यापारी ऐसे भी जो छोटे ठेले लगाने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। या तो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनको मंथली कुछ दे, अन्यथा जब देश के अंदर जब एयरलाइंस चालू हो गई है, रेलवे चालू हो गए, मॉल खुल गए हैं और ये देखिए कि शराब की दुकानें भी खुल गई है, तो ये भारत जो है धार्मिक देश है, ये यहाँ पे आस्थाओं का देश है, तो एक गाइडलाइन बना के। स्वामी न्यूज की ओर से भाजपा नेता भंवर सिंह पराड़ा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज सेवी और सरेदार न्यूज चैनल के चेयरमैन भंवर सिंह पराड़ा का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने मनाया। मसूदा विधानसभा सहित आसपास के गांव और ढाणी से लोग उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे और मालाओं से लाद दिया। उनकी दीर्घायु की कामना की गई। पूर्व भाजपा देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत सहित अन्य गणमान्य लोगों और सरेरा अखबार के संपादक देवेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही नितिन शर्मा, जीतू रंगवानी, अनिल भाटी, शिव सिंह शेखावत, शंकर सिंह बवाल, विक्रम सिंह नंदा, राम चौधरी, स्वामी न्यूज के चेयरमैन कंवल प्रकाश किशनानी, पवन अटारिया, श्रवण व्यास आदि ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और पलाड़ा की लंबी आयु की कामना की। इस मौके पर पलाड़ा पुत्र शिवराज सिंह पलाड़ा और शिव प्रताप सिंह पलाड़ा भी मौजूद रहे। Thank you.
मेरा जन्मदिन है और आज मुझे सब लोगों का मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं जनता को, अजमेर ज़िले की जनता को, सभी राजस्थान की जनता को, जिन लोगों जो मेरे प्रति स्नेह और प्यार रखते हैं, मैं उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद और प्रेम इसी प्रकार से मेरे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। इस मौके पर भंवर सिंह पलाड़ा की ओर से जिला प्रशासन को 1.25 लाख रुपए कीमत के PPET किट और मास्क भी भेंट किए गए। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आज सरेरा न्यूज चैनल के द्वारा और माननीय पूर्व विधायक श्री पलाड़ा जी के जन्मदिन के अवसर पे ये PPE किट हमें जिला प्रशासन को भेंट किया गया है। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ और कोरोना से लड़ाई में उनका जो ये योगदान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ मैं सभी से ये भी अपील करूँगा कि जो जागरूकता अभियान चल रहा है उसमें आप सभी लोग अपना योगदान दें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, समय समय पर साबुन से हाथ धोना, ये आदतें भी डालें। और PPE किट तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने गिफ्ट आज डोनेट किया है जिला प्रशासन को, ये काफ़ी काम आएगा और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए एक अनुपम भेंट है। अभी सरेरा न्यूज़ मीडिया की तरफ से पुलिस को PPE किट दी गई है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय निश्चित रूप से पुलिस जिस तरह से फ्रंट पर है और लगातार कोरोना के संपर्क में है, उसका सामना हो रहा है। वैसे मैं इस तरह के जो भी सहयोग हमें मिल रहे हैं जनता की तरफ से, मीडिया की तरफ से, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइड में है। हमें, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अलवरगेट थाना अंतर्गत आज सुबह शराब के नशे में 3 युवकों ने कार से एक बुजुर्ग महिला को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर से बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। अलवरगेट थाना पुलिस के अनुसार रावड़िया मोहल्ला निवासी बुजुर्ग महिला राममूर्ति है, जो अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। इसी बीच जॉन्सगंज निवासी नरेंद्र कुमार अपने 2 साथियों के साथ शराब के नशे में कार को तेज गति से चलाता हुआ लाया और बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। बहरहाल अलवरगेट थाना पुलिस ने 3 शराबी युवकों को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी। आज सुबह की घटना है, करीब 6:15 से 6:30 के बीच की घटना है। अपने रावड़िया मोहल्ला में एक बुज़ुर्ग महिला अपने घर में बैठी हुई थी, घर के अंदर बैठी हुई थी फाटक के पास में। तो एक गाड़ी वाले तेज व लापरवाही से जो शराब पिए हुए थे उन्होंने सीधा टक्कर मारी, जिससे उसकी दीवार टूट गई और उसके चोट लगी लेडी के और उसकी ख़त्म हो गई है। तो इस पर हम अनुसंधान शुरू किया है, हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। महिला का नाम राममूर्ति। फर्जी दोस्त बनकर अज्ञात शातिर ने अजमेर के बिहारीगंज में रहने वाले जितेंद्र शर्मा के साथ 1.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर डाली। पीड़ित जितेंद्र ने अलवरगेट थाने में अज्ञात शातिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। अलवरगेट थाना प्रभारी मुकेश चौधरी ने बताया कि जितेंद्र के पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, जिसमें उसके दोस्त जो अमेरिका में रहता है उसका अकाउंट नंबर था और उसके दोस्त की फोटो भी लगी थी और मैसेज में लिखा था उसे बहुत जरूरी 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। पीड़ित जितेंद्र ने बताए गए अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए।
कल जितेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने, जो बिहारीगंज का रहने वाला है, उसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका दोस्त पेनेसिलिया अमेरिका में रहता है। उसका मैसेज आया था कि उसको 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसने जो अकाउंट नंबर वगैरह दिए थे तो उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, उसने ही अपने दोस्त बनकर बात की थी, जबकि वो चीटर था। तो उसके झांसे में आके उसने 1.5 लाख रुपये जो चीटर ने जो अकाउंट नंबर दिए थे उसमें जमा करवा दिए। इस प्रकार जितेंद्र के साथ में चीटिंग हुई है। FIR दर्ज कर ली है। हम उनके स्टेटमेंट लेके और कहाँ से मैसेज आया है और टेक्निकल सहायता लेके हम इसका अनुसंधान कर रहे हैं। सर, किस तरह से निकाले? व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि उसको पैसे की ज़रूरत है और उसके दोस्त का फ़ोटो लगा हुआ था, और इसी के तहत उसने अपना जो खुद का मस्तिष्क का ICICI बैंक का जो अकाउंट है उसमें से 1.5 लाख रुपये जो उस व्यक्ति ने अकाउंट नंबर दिए थे, जो दिल्ली के अकाउंट नंबर थे, उसमें ट्रांसफर कर। रामगंज थाना अंतर्गत रहने वाले लोको पायलट के खाते से अज्ञात शातिर ठग ने हाई टेक्निक से 90,000 रुपए निकाल लिए, जबकि ATM धारक का ATM रुपए निकलने के समय उसी के पास था। लोको पायलट गुरुदत्त मिश्रा ने अज्ञात शातिर ठग के खिलाफ रामगंज थाने में शिकायत दी है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब 22 तारीख को अपने घर पे आया था ड्यूटी से, तो आते देखा तो मेरे मोबाइल के अंदर मैसेज था, जो मेरा पर्सनल मोबाइल है, मैं लोको पायलट अजमेर में हूँ, मेरा लोको पायलट मेरा पर्सनल मोबाइल जो है जिस पे मेरे बैंकिंग के आते हैं वो मेरा घर पे रहते हैं। जो बेगल रेलवे CUG में साथ में लेके जाता हूँ, वो भी ऑफ ड्यूटी के ऑन ड्यूटी से ऑफ ड्यूटी मेरा बंद रहता है। मैं जब 22 तारीख आकर के देखा जब मैं सो रहा था तो मालूम पड़ा कि मेरे मोबाइल पर मैसेज आए हैं। जो मैसेज मैंने देखा तो उसके अंदर से मेरे ATM से पैसे गायब निकले, जबकि ATM मेरे पास में ही था। 20 तारीख को 21 तारीख को मैं मारवाड़ में ही था, जबकि ATM मेरे पास में ही था, फिर भी ATM से पैसे निकल रहे थे, जिसकी सूचना मैंने रामगंज थाने पे भी दी और अजमेर वहाँ पे बैंक में जाकर के मैंने तुरंत बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैंने जाकर के इसकी सूचना दी कि मेरे इसमें से पैसे कैसे निकल रहे हैं। तो उन्होंने बोला अपने ATM से पैसे निकालना, जबकि ATM मेरे पास ही मौजूद था और मैं अजमेर में भी नहीं था, जबकि अजमेर से ही पैसे ATM से निकले हुए हैं। ATM की जो अपने ID संख्या है वो है 00603012। इससे 5 ट्रांजेक्शन हुए, 00603026 इससे ट्रांजेक्शन हुए, सारे के सारे जितने भी हुए। ये किस तरह कैसे निकले आपके? जो ये मेरे सर अपने जो है 17 तारीख से निकल रहा है, डबल करके 15,000, फिर 10,000, फिर 5,000, तो 5,000 ऐसे करके निकल रहा है। कितना निकल गया? करीब ये सर 90,000 रुपये करीब मेरे इसमें से निकल पैसे निकल सकते हैं। मैंने ये अपने FIR दर्ज कराई है अपने रामगंज थाने के अंदर, जिन्होंने मेरी FIR दर्ज कर ली है। फिर कल आप आए अजमेर, फिर कैसे पता चला? कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन लगाया गया था और लॉकडाउन के चलते विश्वविद्यालय से जुड़ी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। वहीं अब राज्य सरकार ने परीक्षाओं को पुनः करवाने का निर्णय लिया है, जिसमें पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया। वहीं कई विषयों के छात्रों की परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत आज MDS विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए। ज्ञापन देने के दौरान पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान भर में NSUI ने तमाम जिला मुख्यालयों के ऊपर और तमाम यूनिवर्सिटी के मेन गेट के ऊपर ये धरना रखा गया, और उसके बाद हमारा VC को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छात्र हितों की बात करने के लिए हम जब VC से मिलने जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने हमारे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की और हमारे कुछ साथियों को डंडे भी मारे। आप ये हालात देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमें गिराने की कोशिश की, हमारे डंडे मारे। हम पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के CM तक बात पहुंचाएंगे कि अजमेर के ऐसे कौन से पुलिस के वो जवान हैं, वो अधिकारी हैं जो NSUI के शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाना चाहते थे। इसके अलावा
कुछ आरएसएस के ऐसे प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं जिन्होंने, हम जब वीसी साहब से शांतिपूर्वक रूप से वार्ता कर रहे थे छात्र हितों के लिए, तो उन्होंने बीच में आकर के छात्र नेताओं को धक्का दिया। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से हम मुलाकात करेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो किस तरह का आंदोलन? मांगे पूरी नहीं होगी तो अगले हफ्ते हम आंदोलन को तेज करेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे यूनिवर्सिटी के ताला लगाना पड़े, लेकिन हर हाल में हम राजस्थान के स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। छात्रों का स्वास्थ्य हमारे लिए परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को एनएसयूआई पिछले काफी दिन से उठा रही है, और चाहे सरकार किसी की भी हो, हम छात्र हितों के अधिकार की बात करते हैं, इसलिए छात्र हितों का जब हनन होगा तो हमारा पसीना खून के रूप में अगर सड़कों पे गिरेगा तो भी हम पीछे नहीं। तक पूरे प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार अलग अलग विभागों की ओर से अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर लोगों को यह समझाया जा रहा है कि अब कोरोना से डरने का समय नहीं, लेकिन सावधानी रखने के लिए बचाव जरूरी है। और इसी प्रकार का एक प्रयास जिला पुलिस के निर्देशानुसार यहाँ पुष्कर में किया गया है। हमारे बीच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किशन सिंह जी से कि किस तरह का ये प्रयास है और क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी सर बताइए। ऐसा है, राजस्थान के समस्त विभागों को और समस्त जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान पुलिस के द्वारा जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनमें आज पुष्कर शहर के अंदर पुष्कर थाना की तरफ से ये कार्यक्रम कोरोना के सतर्कता के संबंध में जो 21 तारीख से 30 जून तक का जागरूकता अभियान रखा है, उसके अंदर ये मैसेज हम देना चाहते हैं और आपसे अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अपने पिछले 4 महीने का कार्यकाल जो रहा है कोरोना के संदर्भ में सावधानी बरती है, और अभी भी यही अपेक्षा रखते हैं और विश्वास है कि आप आगे भी जो पुष्करवासी है इसमें निश्चित रूप से खड़े उतरेंगे, सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, और जो बताई गई ये सावधानियां हैं उसकी पालना करेंगे। इसके संदर्भ में अजमेर पुलिस के द्वारा, पुष्कर पुलिस के द्वारा आज कार्यक्रम का जो श्रीगणेश किया गया है उसके तहत बैनर छपाना, पैम्पलेट्स बांटना और इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ लगाने के कार्यक्रम शामिल है। पुनः मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा पुष्कर वासियों से कि इसके संदर्भ में ये नहीं सोचना है कि अभी कोरोना की महामारी को समाप्त हो गई है, अपने को अभी भी उससे ज़्यादा बढ़कर के सावधान और सजग रहना है। तो ये थे किशन सिंह जी भाटी, जिनका साफ कहना था कि कोरोना से फिलहाल लड़ाई बहुत लंबी है और इस जंग को जीतने के लिए निश्चित रूप से सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। आज जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत और जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नगाड़ा वादक नाथुराम सोलंकी ने, इन्होंने शंखनाद करके कोरोना को विदाई देने का एक आह्वान किया है, और साथ में पूरी टीम पुलिस मित्र, पूरी टीम पुष्कर पुलिस, जिन्होंने लगातार 4 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अब प्रयासों का जो समय है वो जनता का है। जनता एक सामूहिक प्रयास करे, सावधान रहे, सतर्क रहे। पुष्कर से दिलीप नागराज, साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज।
कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आयुर्वेद जो मंत्रालय है वो लगातार अपने प्रयास कर रहा है। पुष्कर में भी जो आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सालय समुदाय केंद्र पुष्कर के तत्वावधान में जो प्रभारी है अंजू कटारे, वो लगातार प्रयास कर रही है। आज परिक्रमा मार्ग स्थित उन्होंने लोगों से घर घर जाकर कोरोना के प्रति बचाव और सावधानियों के बारे में समझाया, साथ ही अलग अलग तरह की अमृत धारा की गोलियां वितरित की है और लोगों को बताया कि किस तरह से वो सजग और सावधान रहकर कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं। पुष्कर से दिलीप नागरक, साथ सीताराम पारासर, स्वामी। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जागरूकता अभियान के तहत आज हमने आंगनबाड़ी नायक कॉलोनी में आकर के और लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता की के बढ़ाने के बारे में जानकारी दी और घर में काढ़ा कैसे बना सकते हैं, वो कैसे ले सकते हैं और अपना इस रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी। उनको साफ सफाई के लिए प्रेरित किया एवं मास्क वगैरह लगा करके ही निकलने के लिए उनको प्रेरित किया। उसके अलावा हमने जैसे जिनके घरों में यदि ज़मीन उपलब्ध है और अच्छी वो कर सकते हैं तो उनको हमने गिलोय लगाने के लिए भी प्रेरित किया और एक दो पौधे हमने गिलोय के लगवाई भी। और इसके अलावा सभी जो ANC यहाँ पे आई हुई थी गर्भवती महिलाएं और टीका लगाने के लिए, तो उन लोगों को भी हमने साफ सफाई के लिए प्रेरित किया तथा ये बताया कि वो किस तरीके से घर में अपने सभी लोगों की रक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके कोविड-19 बीमारी से अपना। अजमेर जिले में आने वाले दिनों में मानसून दस्तक देगा, जिसको लेकर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है। मानसून के दौरान शहर का सौंदर्य बढ़ाने वाली आनासागर झील के दो गेट भी खोल दिए गए। आनासागर झील में पानी का भराव 13 फीट है और इसके भराव को 11 फीट तक लाया जाएगा। दोनों गेट से 15 दिन के भीतर लगभग 2 फीट तक पानी की निकासी की जा रही है। आज आनासागर कैसे बनल के ये गेट खोले जा रहे हैं, अभी 13 फुट का गेज है और आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए बरसात आ रही है तो पिछले एरिए जो सागर विहार है, ये वैशाली नगर है, इसके अंदर पानी भर जाता है। तो इसके अंदर क्योंकि निरंतर पानी की आवक भी है, STP से आता है, नालों से पानी आता रहता है और बरसात को देखते हुए हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश हैं कि इसको 2 फुट जो है कम कर लिया जाए अपन, ताकि बाढ़ बचाव के से अपन को उसको रोका जा सके। तो अभी हम 2 गेट खोल रहे हैं, यहाँ पे 2 गेट 6-6 इंच खोलेंगे और 2.05 MCFT पर गेट निकलेगा। तो लगभग जो है 15 दिन ये गेट हमारे खुले रहेंगे। लास्ट कितना गेज रखने का? अभी इसका 13 फुट है और 11 फुट अपन गेज रखें।